दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका रेट इन्फो वेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ सियालदह रामपुर हाट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन सियालदह से रामपुर हाट जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12373। यह ट्रेन 3 घंटे 40 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो यह ट्रेन कवर करती है वो है 214 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन चलती है, रविवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी सेकंड सीटिंग और अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे अवेलेबल है। सेकंड सीटिंग का किराया है 110 रुपये, अनरिजर्व्ड जनरल डिब्बे का किराया है 92 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और स्टेशनों के बारे में। यह ट्रेन सियालदह से हर रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह के 9:05 पर 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है कामारकुंडू, जहां पर ये सुबह के 9:51 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है वर्धमान जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 10:39 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है बोलपुर शांति निकेतन, जहां पर ये सुबह के 11:28 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन प्रांतिक पर पहुंचती है सुबह के 11:39 पर और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है सैंथिया जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 12:04 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों रामपुर हाट जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।